देखो यार, बहुत से बच्चों का सवाल था कि सर आप कुछ भी करके हमें पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं आप उनके ऊपर डिस्कस कीजिए। तो हम आपके लिए एक डेली का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बता रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बना लें मेरे साथ साथ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरा का पूरा अगर अपन 40 साल के पेपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि ऑप्शनल फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे अपन, डेली नोट्स बनाएं। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको इफेक्टिव लगता है तो ही नोट्स बनाएं, एक बार आप पूरा वीडियो चलाकर ज़रूर देख लें। चलो तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन उठाया है, ब्रिंग आउट द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म एंड क्लासिकल रियलिज्म ऑफ हैंस मार्गेथाउ एंड द नियो रियलिज्म ऑफ किनेथ वॉल्ज। अब इनके बीच में क्या बताना, अपने को डिफरेंस बताना है, मेन चीज़ ये थी। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन आए, वैसे तो ये 2018 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आईआर से रिलेटेड है, पूरा पूरा पता चल रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर रियलिज्म, मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस किया है, रियलिज्म को डिस्कस किया है। क्यों पूछा क्या था, मैं मेजर डिफरेंस पूछा था, तो पता तो होना चाहिए ना कि रियलिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रियलिज्म को क्या किया, डिस्क्राइब किया है। तो देखो कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख लो आप, क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करते हैं आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन फ्रेमिंग पूरी की पूरी, सबसे पहले रियलिज्म की डेफिनेशन लिखी है मैंने, उसके बाद मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हैंस, जो अपना हैंस मार्गेथाउ है उसके प्रिंसिपल्स को लेके आया कि वो क्या कहता है वो अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो उसके 6 प्रिंसिपल है उनको लिख के आया, हर एक को मैंने जो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने नियो रियलिज्म की कंसेप्ट था कि केनेथ वॉल्ट्ज़ के अकॉर्डिंग उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। जैसा कि आप देख सकते हो उन्होंने 2 बेसिक अजम्पशन दिए थे, तो पहले मैंने बेसिक अजम्पशंस को लिया, फिर उनके बाद उनके की फीचर्स को भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो ये पूरा है, और उसके बाद मैंने पूरे के पूरे डायग्राम से पूरी इंटरनेशनल थ्योरी को, नियो लिबरलिज्म को इसके अंदर पूरे को कवर किया है। तो इससे अपना द बेस्ट आंसर मिलेगा और अपने को मार्क्स गेनिंग भी बहुत ही अच्छे होंगे। अब अपन देखते हैं मैंने लिखा क्या क्या है, कि मतलब क्वेश्चन तो दिखा दिया आपको लिखना कैसे, अब हम देखते हैं इसके अंदर लिखा क्या क्या है। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियलिज्म की। रियलिज्म क्या होता है, इट इज़ एन अप्रोच विच डिस्क्राइब द कंट्रीज रिलेशन एंड बिहेवियर एट ग्लोबल लेवल। इसका मतलब होता है कि यार देखो, रियलिज्म एक होता है रियलिटी, रियलिटी तो आपने देखी होगी ना, कि रियलिटी में क्या है ना कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ना किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो रिलेशन होते हैं ना, उनको क्या करना, उनको उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब करना ग्लोबल लेवल पे, वही रियलिज्म कहलाता है। देखो रियलिज्म मीन्स रियलिटी, रियलिटी होती है भाई, सब सीधी सी बात है, अमंग द नेशंस, राष्ट्र के बीच में या देशों के बीच में, ऑन द ग्लोबल लेवल, कौन से लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इट इज स्टेटेड अबाउट द हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट टू ईच अदर एट वर्ल्ड लेवल, कि किस प्रकार से कंट्रीज क्या कर सकती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, वो सब किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, रियलिज्म के अंदर पढ़ते हैं। जैसा कि आपको लग रहा होगा, अगर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि रियलिज्म है क्या। देखो सीधी सी बात ये है कि रियलिज्म कुछ नहीं है, दो कंट्रीज के बीच क्या है, इंटरेक्ट करते हैं ना, दो कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करती है ना, बस उसी बिहेवियर को दर्शाना क्या कहलाता है, रियलिज्म कहलाता है, किसे, ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्या लिख रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कि हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि रियलिज्म किसके बारे में, किसके ऊपर, किसने दी थी रियलिज्म की थ्योरी, क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी, हैंस ये कौन है, मॉर्गेंथाउ। तो हैंस मॉर्गेंथाउ के ने दी थी क्या, क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी। तो इन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल दर्शाए थे, 6 प्रिंसिपल दिए थे, उन्हीं के आधार पर सब कुछ बताया था। और इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जो कि 1954 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम था पॉलिटिक्स अमोंग नेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा रहा हूँ, पॉलिटिक्स अमोंग नेशन, ठीक है। तो उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो कि अपना जो अपने को जो समझना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वी कैन डेवलप रैशनल थ्योरीज विच रिफ्लेक्ट दीज ऑब्जेक्टिव लॉज। इसमें जो अपने हैंस मार्गेनेथोव थे वो कहना चाहते थे कि जो हर एक स्टेट होता है ना, हर एक जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लॉज होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव लॉज। और इनके ऊपर हमें क्या बनानी पड़ेगी, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसके ऊपर रैशनल थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी यार हमें। ऑब्जेक्टिव लॉज होते हैं, हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव लॉज होता है। अब सर आप ऑब्जेक्टिव लॉज बोल तो रहे हो, होता क्या है ऑब्जेक्टिव लॉज? तो भाई देखो, आपको मैं बताऊं कि हर एक इंसान के पास क्या होता है कि जो इंसान है ना, किसी भी कंट्री से बिलोंग क्यों ना करता हो, किसी भी कंट्री से, पूरे वर्ल्ड के अंदर देख लो, यूएसए, अमेरिका, कहीं मतलब यूएसए अमेरिका देखिए होगा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कहीं से भी देख लो आप, वो उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर तो उसके अंदर कॉमन होगा। और वही बात इन्होंने कही है, अकॉर्डिंग टू हैंस मार्गेनेथोव वी नीड टू डिस्कवर ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ द सोसाइटी विच टोटली डिपेंड बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर। और ह्यूमन नेचर तो भाई कहीं ना कहीं तो सेम होगा ही, क्योंकि ह्यूमेनिटी है। अब आपको पता है कि इंसान के अंदर ह्यूमेनिटी तो होती है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो क्या होगी, कॉमन होगी। बस उसी को किसके अंदर में लिखना है, अपने को ऑब्जेक्टिव लॉज के अंदर लेके आना है। तो पहली थोड़ी समझ में आई, उन्होंने क्या किया कि भाई किसी ना किसी आधार पर तो पूरे संसार के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग क्या होगा, कॉमन होंगे। यहाँ का जैसे इंडिया के लोग और यूएसए के लोग किसी ना किसी आधार पर तो कॉमन होंगे ना कोई चीज़ तो कॉमन होती होगी ना भाई, दो हाथ हैं उनके भी दो हाथ है ना। ऐसे ही ह्यूमन नेचर भी होता है भाई, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो कॉमन चीज़ें होंगी ना, तो उनसे क्या करें हम रिलेशन बना लें, ठीक है। और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि ह्यूमन नेचर कैसे होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन मिल ही जाएगी, समझ आया पहला। उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं। दूसरी चीज़ दूसरा जो इसका प्रिंसिपल था उसके अंदर हम देखते हैं, इट इज़ द लाइक एन यूनिवर्सल ट्रूथ। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है, स्टेटमेंट थिंक एक्ट इन टर्म ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन एज पावर। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन प्रेडिक्ट स्टेप्स ऑफ स्टेट्समैन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसके अंदर देखो वो क्या कह रहा है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी स्टेट्समैन का अर्थ क्या होता है, कोई भी लीडर होता है ना, पॉलिटिकल लीडर, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है ना, वो जब वो कोई भी डिसीजन लेगा ना, तो वो अपने नेशनल के इंटरेस्ट के हित में लेगा, मतलब अपने नेशनल को ध्यान में रखेगा। भाई कोई भी पॉलिसी बनाते हैं अपन इंडिया के लोग, कोई भी, जैसे मोदी जी, कोई भी अभी करंट गवर्नमेंट अपनी, मोदी जी की गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उसके अंदर क्या है कि अभी वो जो भी डिसीजन लेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि भाई कुछ भी हो, देश का भला होना चाहिए सबसे पहले। जो भी इंटरनेशनल डिसीजन लेंगे तो देश का भला होना चाहिए, ठीक है, यही बात सोचेंगे ना। तो ये देश का भला होने वाली नीति कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। तो सबसे पहले किसका इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करेंगे, और वो किसके ऊपर होता है, पावर के रूप में होता है कि इंसान जो नेशनल इंटरेस्ट इन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू द हैंस मार्गेनेथोव, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि नेशनल इंटरेस्ट किसकी तरह किसकी किस मतलब किसके सापेक्ष में क्या होता है, डिस्क्राइब होता है, वो है पावर। कि आपके पास पावर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन, और अगर आपके पास जो नेशनल इंटरेस्ट में आपने ये लिया है ना, इससे कोई भी आपको क्या कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपने पास्ट में क्या किया होगा, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो और फ्यूचर में क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पॉलिसीज से वो जान लेगा कि वो आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं थर्ड पे, द नेचर ऑफ पावर एम्प्लॉयड और साउट वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। अब हमें पता तो चल गया सेकंड के अकॉर्डिंग कि भाई जितना भी जो भी स्टेटमेंट है ना, कोई भी लीडर है ना, वो किसके बारे में सोचेगा, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। और नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने किससे डिफाइन किया है, पावर से डिफाइन किया है,
अब वो बोलते हैं कि पावर तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट है ना वो समान रहे, हर बार कॉमन ही रहे, ये जरूरी थोड़ी ना है। क्या पता फ्यूचर में जाके उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या हो जाए, वेरी हो जाए। तो वो बोल रहे हैं कि टाइम के साथ नेशनल इंटरेस्ट वेरी हो सकता है, लेकिन उसका जो वो अपन जो एम रहेगा ना, जो गोल रहेगा, वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो पावर ही रहेगा। जैसे कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसे जैसे पॉलिटिकल सरकारें बदलती जाएंगी वो भी बदलते जाएंगे, उनके जो व्यूज हैं वो भी बदलते जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सब के सब क्या करना चाहेंगे, पावर को ही इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, क्योंकि नेशन का इंटरेस्ट वही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथा, फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रिंसिपल में, पॉलिटिकल रियलिज्म इज अवेयर ऑफ द मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। तो मॉरल सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है। इट इज ऑल्सो अवेयर द टेंशन बिटवीन मॉरल कमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेसफुल पॉलिटिकल एक्शन। ये बता रहा है कि भाई ये जो भी इंसान क्या ले रहा है, पॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है ना, जो कि पावर को एम मान के और नेशनल के इंटरेस्ट में कोई भी डिसीजन ले रहा है, वो इंसान क्या रहेगा, कभी भी अनअवेयर नहीं रहेगा, वो हर चीज़ में अवेयर रहेगा, वो हर चीज़ का नॉलेज होगा उसे, तभी तो ले रहा है ना यार वो कोई। अब आप देखो इंडिया के अंदर जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है किसी पॉलिटिकल रिलेशंस के बीच, तो ऐसे थोड़ी ना आनन फानन में थोड़ी ना ले लिया जाता है, पहले क्या करते हैं उसको देखते हैं बारीकी से कि यार इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हर चीज़ के बारे में क्या रहते हैं वो अवेयर होते हैं, टेंशन के बारे में भी अवेयर होते हैं कि युद्ध वगैरह कैसे ना हो जाए, इनसे अगर हम कुछ बोल दें या कोई ऐसी पॉलिसी लगा दें जिससे युद्ध की संभावना हो जाए, तो वो हर चीज़ क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। और वही एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के एक्शन कहलाते हैं जिनसे सब कुछ क्या हो, मैनेज हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो कि ये मैनेज कर सक्सेसफुल पॉलिटिकल एक्शन। उसके बाद आता है 5 नंबर का प्रिंसिपल, पॉलिटिकल रियलिज्म रेफ्यूज टू आइडेंटिफाई द मॉरल एस्पायरेशन ऑफ पर्टिकुलर नेशन विद मॉरल लॉज दैट गोन टू द यूनिवर्स। इसके बारे में क्या है कि पॉलिटिकल रियलिज्म है ना, वो रेफ्यूज टू आइडेंटिफाई द मॉरल एस्पायरेशन। भाई साहब देखो, अब कोई एक स्टेट ऐसा भी हो सकता है कि जो सिर्फ अपने आप को क्या दिखाए कि मैं तो भाई बहुत मॉरल हूँ। कई बार होता है ना कि जैसे इंडिया को ही देख लो, तो इंडिया क्या करता है, हमेशा क्या सोचता है कि यार सभी जगह पीस हो, जस्टिस हो, है सब कुछ सही चलता रहे, मतलब अपने को वार की सिचुएशन नहीं चाहिए। इंडिया यही चाहता है ना कि अपने को वार की सिचुएशन नहीं चाहिए। अब ऐसे भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ये बात तो ठीक है कि वो अपने मोरलिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, वो नैतिकता को दिखाते हैं, और वो सही भी है कई कई हद तक, अगर सोसाइटी के अंदर अच्छे से रहना है तो वो सही भी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, इसमें भी वो अपने जो जो ये मेन चीज है ना, क्या पावर, जो उनका एम है, वो इसमें भी इसको ध्यान में रखते हैं। बस यही बात बताया गया कि मोरल लेज को गवर्न करने के लिए यूनिवर्स के अंदर पार्टिकुलर नेशन होते हैं, ऐसे कुछ है तो उनके बारे में बताया गया। द पॉलिटिक्स रियलिस्ट मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्पेयर। अब भाई इसके अंदर देखो क्या बताया गया है, जो इनका लास्ट प्रिंसिपल है, इसके अंदर बताया गया है कि भाई जो पॉलिटिकल जो स्टेट्समैन होते हैं ना, जो एक लीडर होता है, वो अपना एक दायरा होता है, उसका भी अलग से दायरा होता है। एक पॉलिटिशियन एक अलग पद्धति है, एक अलग पद है, उसका भी क्या एक अलग फील्ड है। आप ये मत सोचिए कि भाई इकोनॉमिक्स ही कोई अलग फील्ड में होगा, एक लॉयर ही अलग फील्ड है, एक पॉलिटिक्स भी क्या है एक अलग फील्ड है। जैसे कि आज के एजेस में देखा जाइए, आज के युग में देखा जाइए, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने बताया कि भाई पॉलिटिक्स भी क्या है एक अपना अलग स्पेयर रखती है, अपना अलग पॉलिटिकल स्पेयर रखती है, जैसे कि इकोनॉमिक्स रखता है, लॉयर रखता है, या फिर मॉरल मेंटेनर्स कोई भी रखता है। तो आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर अपन दूसरा पोर्शन कवर करेंगे, तो नियो रियलिज्म ऑफ किनिथ वॉल्ट्ज को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आगे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कि पूरी पॉलिटी अगर मैं ऐसे ही करवा दूँ आपको बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स के साथ, क्योंकि आप ये क्वेश्चन 20 नंबर में आए तो भी लिख सकते हो, अगर 10 में तो आते हैं तो बहुत छोटा सा लिखना है, उठा उठा के पॉइंट्स से लगाने आपको, तो लेकिन अगर 20 नंबर में आए तो मैं 20 नंबर के अकॉर्डिंग से इसको फ्रेम किया मैंने इस क्वेश्चन को, तो आप वैसे का वैसा लिख सकते हैं।
थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर मॉडर्न हिस्ट्री के आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड हो रही हैं। थैंक यू सो मच।